तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने शो में रोशन सोडी की भूमिका निभाई थी, उन्होंने शो के निर्माताओं के हाथों उनके साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए मीडिया की मदद मांगी थी। अभिनेत्री ने उनके खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और अब हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्त्री ने खुलासा किया कि वह इसमें विजयी हुई हैं और निर्माता असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला जीत चुकी हैं। जेनिफर मिस्त्री ने एक भावनात्मक नोट लिखकर उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया, जिसमें कानूनी प्रणाली भी शामिल है। उन्होंने लिखा, मैं अपने यौन उत्पीड़न के मामले में जीत की घोषणा करती हूँ। असित मोदी को इस मामले में दोषी पाया गया है। धन्यवाद भगवान, मैंने इसे अपने वकील अमित खरे की मदद से, अपने पति बॉबी बंसीवाल के समर्थन से, अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ और उन प्रशंसकों की मदद से संभव बनाया जिन्होंने सच में विश्वास किया कि मैं महिला कार्ड खेलने या सस्ती प्रचार करने या चीजों को गढ़ने का नाटक नहीं कर रही थी। मैं बस अकेले विश्वास पर दृढ़ खड़ी थी और सच बोल रही थी, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ है। बस असित मोदी को मेरी बकाया राशि चुकाने दें, जो उन्होंने फरवरी में फैसला सुनाए जाने के 40 दिनों के बाद भी अभी तक नहीं चुकाई है। उन्होंने मेरा भुगतान पिछले एक वर्ष से रोक रखा है और 5 लाख का मुआवजा कुछ भी नहीं है। उन्होंने नोट में लिखा, जिसे उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो के साथ साझा किया गया था। उन्होंने आगे लिखा, इन्हें अत्यधिक मानसिक आघात, रोजगार और दोस्तों की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, चिकित्सा बिल, मामले के खर्च आदि का सामना किया है। यह सब मेरी 10 वर्षीय बेटी को घर पर छोड़कर और सोहेल रमानी और जतिन बजाज के लिए फैसला देने के बारे में क्या? उन तीनों को कोई सजा नहीं मिली, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। फिर भी मैं महाराष्ट्र सरकार की आभारी हूँ कि कम से कम उन्होंने पुलिस प्राधिकरणों की तरह नहीं बल्कि मामले को देखा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। उन्होंने असित मोदी को यौन उत्पीड़न का दोषी साबित किया, जो मैं शुरू से जानती थी, इसमें नया क्या है? पिछले एक वर्ष में मैंने जो आघात सहा है उसके बारे में क्या? इसके विपरीत अपराधी निर्दोष होने का दिखावा करते हुए स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। फैसले में श्री मोदी, सोहेल और जतिन को मुझसे माफी तक मांगने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि मैं स्पष्ट रूप से शो में काम करते समय दुर्व्यवहार का शिकार हुई थी और मुझसे मांगा गया मुआवजा तुच्छ है। यह मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 5 लाख श्री मोदी के लिए एक मामूली राशि है। ऐसी राशि से मुझे लगता है कि श्री मोदी जैसे लोग ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि वे बड़े अपराधों से भी बस थोड़ी सी राशि चुकाकर बच सकते हैं। मैं फैसले को स्वीकार नहीं कर रही हूँ और अपनी राशि न लेकर आगे बढ़ने का फैसला करती हूँ। इसके अलावा एक महिला की आत्मसम्मान को फैसले और मुआवजे में घोषित तरीके से मापा नहीं जा सकता। यह जीत मेरी हो सकती है, जो महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है अगर उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन यह न्याय के लिए बड़ी लड़ाई है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर मेरे जैसे जाने माने व्यक्ति के लिए न्याय के लिए लड़ना इतना कठिन है, तो आम महिला के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और सत्यमेव जयते के साथ हस्ताक्षर किए। तारक मेहता शो से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।